तहसील नजवा जिला बिजनौर जी। ताऊ जी ये बताओ वैरायटी कौन सी है आपकी? भैया 1523 है। 1523 कहाँ से लाए थे ये ताऊ जी? भैया नांगल से ली थी, इसने एक सुपरवाइजर ने दिवाई थी बरकातपुर मिल के। अच्छा, उत्तम सुबह ने बरकातपुर के सुपरवाइजर ने दिवाई। हाँ, सुरेंद्र गिरी ऐसा ही नाम था उसका शायद। जी जी, तो क्या प्राइस मिला, क्या रेट पर मिली थी? रेट तो भैया वही था जो मील का, मील का 350 रुपये कुंटल। 350 रुपये कुंटल। तो इसकी किसान साथी और जानकारी लेंगे कि आप गन्ने की ग्रोथ देख सकते हो कितनी जबरदस्त हो रही है। तो जी बुआई कब करी इस गन्ने की? भैया 28 या। नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का मकसद है आपको एक नए प्रगतिशील किसान से मिलवाना, तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम मीरापुर गांव में पहुंचे हुए हैं। मीरापुर तो गांव है, पर हमारे ताऊ जी का खेत आ रहे हैं यहां पर, ग्राम सैफाबाद के जो हमारे ताऊ जी हैं नरेंद्र ताऊ जी, उनके यहां पर खेत आ रहे हैं और उन्होंने एक वैरायटी लगाई है 1523। किसान साथियों, क्या क्या कमियां हैं इस वैरायटी में और क्या क्या इसमें ठीक ठाक है या नहीं, पूरी जानकारी लेंगे। कितने वर्षों से लगा रहे हैं, इस साल ही लगाई है या एक दो वर्षों से पहले से ही लगा रहे हैं, तो पूरी तो जानकारी लूँगा ताऊ जी से। कब इसकी बुआई की गई, क्या क्या इसमें फर्टिलाइज़र का उपयोग किया गया, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ किसान साथियों। तो चलते हैं किसान साथी ताऊ जी की ओर और ताऊ जी से पूरा जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। किसान साथियों चलते हैं ताऊ जी की ओर, ताऊ जी से पूरी जानकारी लेने का प्रयास करें गन्ने के बारे में। ताऊ जी राम राम। राम राम भैया। और ठीक ठाक हो ताऊ जी? हाँ जी। तो सबसे पहले तो ताऊ जी अपना परिचय दो, आपका जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, आपको अपना छोटा सा परिचय दे दो। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठी, ग्राम सफियाबाद जी, पोस्ट मंडावली, थाना मंडावली, तहसील नजवा, जिला बिजनौर जी। ताऊ जी ये बताओ वैरायटी कौन सी है आपकी? भैया 1523 है। 1523 कहाँ से लाए थे ताऊ जी? भैया नांगल से ली थी, इसने एक सुपरवाइजर ने दिवाई थी बरकातपुर मिल के। अच्छा, उत्तम सुबह ने बरकातपुर के सुपरवाइजर ने दिवाई। हाँ, सुरेंद्र गिरी ऐसा ही नाम था उसका शायद। जी जी, तो क्या प्राइस मिला, क्या रेट पर मिली थी? रेट तो भैया वही था जो मील का, मील का 350 रुपये कुंटल। 350 रुपये कुंटल। तो इसकी किसान साथी और जानकारी लेंगे कि आप गन्ने की ग्रोथ देख सकते हो कितनी जबरदस्त हो रही है। ताऊ जी बुआई कब करी इस गन्ने की? भैया 28 या 29 मार्च को करी थी शायद। अच्छा। और बुआई कर तो इस पर धारण 31 मार्च को रोह पड़ी थी बहुत जबरदस्त। अच्छा, बारिश पड़ी थी? बारिश पड़ी थी, और उसके बाद भैया फिर जब नहीं जमी तो हमने सोचा साली को पलट दो, हमने इस पर सेवा हैरो घुमा दी। अच्छा, हैरो पलटने के इरादे से ही। जी जी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जो देखा तो इसमें पोई निकलनी शुरू होगी जी, बस भैया फिर सुसरी सब। चलो बढ़िया। हाँ, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया जी, तो गन्ना का लेट पड़ने का कारण। जी जी जी। और भैया फिर गर्मी हुई, फिर बरसात ही काई की होगी। जी जी जी। या क्यार बरसात भी जल्दी आ गई, लेकिन फिर भी बेहतर है, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कोई लागत नहीं है भैया। 1.5 कट्टा खाद में यूरिया लग पाया था। अच्छा, जब आपने बुआई करी इसकी? नहीं। अच्छा, जब बुआई जब ये जम गई थी, एक बीघा निकाला था ट्रैक्टर से। जी, तो ये बताता हूँ जी, जब आपने बुआई करी कुछ फर्टिलाइजर का उपयोग जरूर किया होगा? देसी खाद डाला था और वो डीएपी। अच्छा, देसी खाद, डीएपी और कुछ नहीं? हाँ, वो थायोपायो क्या लगा था, थायोमैक्स ये लगाई थी। जी जी। तो और इसके बाद फिर यूरिया दिया थोड़ा? फिर नहीं, फिर लग नहीं पाया। फिर लग नहीं पाया ना, क्योंकि बारिश इतनी हो। हाँ, बारिश होगी, बारिश हो रही। और फिर यू डर लग जाता है कि दूसरे के कुएं पार थी, पानी शायद ना मिले। जी जी जी। तो भैया गर्मी होगी थी, गर्मी का महीना था, गर्मी का। जी जी। तो मिट्टी कब चढ़ाई था जी इसकी? मिट्टी तो इस पर नहीं चढ़ पाई, पर अब मिट्टी चढ़वाऊंगी। मिट्टी चढ़वाएंगे? हाँ, अभी गिल्ला इतना हो रहा है, मिट्टी चढ़ नहीं पाती। छोटे ट्रैक्टर से मुश्किल चढ़ेगी अब ना, मजदूर लगा फावले चढ़वाऊंगा। फावले से चढ़वाने का फायदा। किसान साथियों देख ही सकते हो गन्ने की ग्रोथ और पूरा निरीक्षण करो। गन्ना बढ़िया, एक तो रोग नहीं इसमें, कोई भी दवाई का वैसे प्रयोग नहीं हुआ जी, रोग मुक्त वैरायटी। हाँ, अच्छी वैरायटी, अच्छी वैरायटी, पहली बार बोई है जी, अब इसका पता लग जाएगा। जी जी। तो 38 तो काफी दिनों से बो रहे हैं ताऊ जी? 38 तो हाँ, जब से चला बोई है। 38 में रोग ज्यादा? 38 में तो वो रोग पोका पोंगा और वो टॉप बोरर ज्यादा रोग आ रहा है। दवाई बहुत लगानी पड़े। जी जी। तो इसमें अभी तक कोई रोग? कोई दवाई, कोई भी दवाई नहीं लगा, रोग भी कोई नहीं आया, कोई स्प्रे तुम्हारे सामने खड़ा, रोग ही नहीं आया। जी जी। स्प्रे भी कोई कुछ नहीं? हाँ, लेकिन पछतावा इतना रह गया, उतनी लागत नहीं लगा पाया जितनी लगानी चाहिए। लगानी चाहिए। काम नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया। तो किसान इसकी चौड़ाई कितनी रख रखी ताऊ जी आपने? भैया इसमें शायद छोटा ट्रैक्टर निकल भी सकता है या नहीं? हाँ, निकल भी सका, 4 फीट के आसपास तो होगी। हाँ, कम थी, 400। 400 कम थी। हाँ, संजू का लेजर था उससे। अच्छा अच्छा, वही थी। हाँ, तो लगभग इतना ही थोड़ा निकल जाता, छोटा निकल जाता, निकल जाता। अंदर वो चलता हूँ किसान साथी और आपको निरीक्षण करूँगा ये जामुन की। चलो कोई दिक्कत ना, इधर ही देख लिया। ये देखो किसान साथी कितना जबरदस्त ट्रिलिंग, बहुत ही जबरदस्त कर रखी है गन्ने ने, बहुत ही बढ़िया ट्रिलिंग और हाइट भी ठीक ठाक हो रही है, देखो बहुत ही जबरदस्त। ताऊ जी जैसा कि मैं एक दो जगह भी गया, हाँ,
इसे 15023 की कुछ बुराई कर रहे थे कि अच्छी वैरायटी नहीं है, रोग बहुत है, ऐसा कुछ है था भाई? ऐसा तो पहली बार बोया, देखो अभी तक तो इसमें कुछ है नहीं यार, बाकी अगले राउंड में पता लग जाएगा इसका। जी जी जी, जब आगे प्रयोग करेंगे यार, और अभी तक तो कोई इसमें रोग नहीं आया, मुझे तो बढ़िया लगा, इसमें कोई रोग नहीं आया अभी तक, रोग नहीं आया। हाँ, खुश्की होने के बावजूद भी नहीं आया। जी जी, तो ये बताओ जैसा कि बारिश पड़ गई थी आपने बताया जैसा कि, तो जर्मिनेशन पर कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, कम कम प्रभाव, एकदम बारिश पड़ गई थी, 31 में बारिश हुई, 31 तारीख को जर्मनी बारिश हुई जी, तो जर्मिनेशन पलटने की सोची थी, मैं पलट दो गन्ने दोबारा बोमा जी जी, और एक 38 गन्ना बोया था भैया, 10 बीघे पलटा था, 70 क्विंटल फिर दोबारा लगा था, नेड़ी का था दिक्कत आ गई। तो जी बुआई तो आप नेड़ी 28 इंच ही करते होंगे सब? हाँ, ज्यादातर ज्यादातर। हाँ, ये ट्रंच यही लगा 28-30-32 वाली बुआई, पहली बार लगा, तो इसमें लाभ अभी तो अभी अभी गन्ना भी कम लगा और काम अच्छा हो जाता। तो इसमें आप मजदूरों से मिट्टी चढ़वा? हाँ, मजदूरों से चढ़ेगी जी। हाँ, बिल्कुल सही, गन्ना पड़ चुका है इसमें जी, गन्ना पड़ चुका है। अभी अगर इसमें आप ट्रैक्टर से चढ़वाओगे तो यार बिल्कुल टूट जाएंगे, चढ़ने का ही नहीं, चढ़ने की नहीं, पहली बात तो सही बात है अपना, अब मजदूरों से ही चढ़वा देना मिट्टी, उसमें ही लाभ है। तो किसान साथियों, इतना कीमती समय दिया ताऊ जी ने और इतना बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ताऊ जी। अच्छा ताऊ जी, राम राम। राम राम। किसान साथियों, थोड़ा सा निरीक्षण करवा देता हूँ आपको गन्ने का। ये देखो किसान साथियों, कितनी जबरदस्त गन्ने की ग्रोथ हो रही है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ये देखो इधर देखो कितनी किस कदर ट्रिलिंग कर रखी है गन्ने ने, इन्हों कहते हैं ट्रिलिंग कम है इस गन्ने में, मुझे तो नहीं लगता ट्रिलिंग कम है, कहीं काम नहीं हो पाया आपकी बात, क्योंकि बरसात बहुत जल्द जमा भी नहीं हो पाया आपकी बात इतना लेवल का। देखो किसान साथियों, कितनी जबरदस्त ग्रोथ है गन्ने की, 15023 वेराइटी, और आने वाले टाइम में पता लग जाएगा इस वेराइटी का कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगी ये वेराइटी। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है गन्ने की, आप भी आपको दिख ही रही होगी। देखो तो किसान साथियों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।